प्रथम पूजनीय भगवान जो भक्तों कहलाते हैं, जो भक्तों कहलाते हैं। गौरी नंदन हम श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। क्यों देवों में ये सबसे पहले पूजे जाते हैं, पहले पूजे जाते हैं। गौरी नंदन हम श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज भगवान श्री गणपति देव महान, हे प्रथम पूज भगवान श्री गणपति देव महान। गौरा माँ ने उबटन से इनको जाया है, स्नानागार के द्वारे पर इनको बिठलाया है। गौरा से मिलने शिव जी फिर वहां पे आए हैं, बालक एक अनजान द्वार पे बैठा पाए हैं। भीतर जाने को शिव जी को बालक ने रोका है, क्रोध में आकर शिव शंकर ने मार त्रिशूल फेंका है। बालक का फिर शीश काट कर हवा उड़ा दिया, माँ गौरा ने भक्तों फिर भारी उत्पात किया। गौरा विलाप को देख के सारे घबरा जाते हैं, गौरी नंदन हम श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु को कहा शिव जी ने, जाओ जल्दी से जाओ, पहले जो भी मिले तुम इसका शीश काट ले आओ। मार्ग में श्री विष्णु जी हाथी को पाते हैं, शीश काट कर गज का फिर तो वो ले आते हैं। गज का शीश लगा कर बालक को जिलवाया है, माँ गौरा ने शिव गणों ने फिर मोद मनाया है। सभी गणों के ईश है ये सो नाम गणेश है पाया, देवी देवता आए सभी चरणों में शीश नवाया। नंदी भृंगी मिल कर के जयकार लगाते हैं, गौरी नंदन हम श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज भगवान श्री गणपति देव महान, हे प्रथम पूज भगवान श्री गणपति देव महान। सारे कैलाश पे श्री गणपत थे भारी धूम मचाते, मात पिता से गणेश जी थे लाड बहुत तो पाते। बचपन से ही बुद्धिमता के होने लगे थे चर्चे, सबसे बुद्धिमान है गणपत देवी देवता कहते। बड़े भैया है कार्तिक यूं तो लाड लड़ाते हैं, पर गणेश की ज्यादा प्रशंसा सुन नहीं पाते हैं। सोचा कार्तिक ने फैसला आज यही हो जाए, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है कोई ये बतलाए। छोटे भाई गणपत के वो पास में जाते हैं,
हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किसकी बारी, चलो पूछ के आते हैं हम सबसे बारी बारी। ब्रह्मा जी के पास कार्तिक और गणपति जाते, उनके पावन चरणों में फिर दोनों शीश नवाते। हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है कृपा कर बतलाएं, ये झगड़ा है ब्रह्म देव जी आप ही निपटाए। प्रश्न सुना ये ब्रह्म देव जी चकरा जाते हैं, उन दोनों के प्रश्नों को सुलझा नहीं पाते हैं। विष्णु लोक की उन दोनों को राह बताते हैं, हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान, हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान। विष्णु चरण में गए दोनों और शीश नवाया है, अपने मन का प्रश्न दोनों ने उन्हें सुनाया है। संकट धर्म में फंस गए श्री विष्णु जी थे अकुलाए, किसको श्रेष्ठ बताऊं श्री हरि समझ नहीं ये पाए। तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो दोनों झगड़ा ये निपटाओ, पहले की तरह तुम दोनों अपना जीवन बितलाओ। अपनी श्रेष्ठता जानने को दोनों ही अड़ गए, श्री हरि से उत्तर जाने के पीछे पड़ गए। देवलोक की दोनों को वो राह दिखाते, हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान, हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान। घूमते दोनों देव लोक में आ गए, इंद्र के दरबार में दोनों फिर पहुंच गए। देवराज को अपने मन का हाल सुनाया है, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है प्रश्न बताया है। प्रश्न सुना दोनों का इंद्र भी भक्तों घबराए, देव ऋषि नारद इंद्र की मदद को आगे आए। तुम्हारे पिता से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा, वही बता सकते हैं उत्तर प्रश्न जो तुमने पूछा। घूम घाम के दोनों फिर कैलाश पे आते, हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान, हे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति देव महान।
और गणेश गए फिर माता पिता के पास। प्रश्न का उत्तर पाने की थी दोनों के मन में आस। तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो पुत्रों, खत्म विवाद करो। तुम दोनों ही महान हो पुत्रों, मन को शांत करो। माता पिता के समझाने पर भी वो नहीं माने। कौन है हम दोनों में उत्तम जानने की ठाने। माता पिता ने दोनों को फिर पास बिठाया है। बड़े प्यार से दोनों को उत्तर बतलाया है। उनके मन के प्रश्न का वो उत्तर बतलाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस ब्रह्मांड की सात प्रदक्षिणा जो भी पहले लगाए, इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम वो ही कहलाए। दौड़ लगाने की दोनों ने कर ली फिर तैयारी। कार्तिक मयूर बैठे गणपत मूसे की असवारी। कार्तिक के मयूर ने फिर ऊंची थी उड़ान भरी। छोटे कदमों से मूसा चल विपदा है बड़ी। गणपत सोचे ऐसे तो कार्तिक ही जीत जाए, मूसे और मयूर का मुकाबला हो नहीं पाए। गणपत अपनी बुद्धि की फिर युक्ति लगाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सबसे पहले इस जीवन में माता पिता का स्थान। माता पिता के चरणों में ही बसता है ब्रह्मांड। माता पिता की करनी चाहिए सबसे पहले पूजा। इन चरणों का कर वंदन मिले जब भी भक्तों मौका। माता पिता ब्रह्मांड है मेरे, करो इनकी परिक्रमा। परिक्रमा करते करते कर डाली सात प्रदक्षिणा। कार्तिक जब वापस आए तो गणेश को विजयी थपाया। सारी बात को जाना फिर चरणों में शीश नवाया। गणपत के संग माता पिता की जय जय बुलाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रथम पूज्य का माता पिता ने फिर दीना वरदान। गणपत को नमन करने आया सारा ब्रह्मांड। इस लीला के माध्यम से भक्तों मिलती ये शिक्षा। माता पिता से बढ़कर कोई देव नहीं है दूजा। माता
पिता को इस जीवन में देना प्रथम स्थान। धरती पर तो मात पिता ही होते हैं भगवान। चंदन ने गणपत चरणों में शीश नवाया है, मात पिता है सबसे पहले ये समझाया है। पूर्ण हुई गाथा वाणी पे विराम लगाते हम गौरी नंदन श्री गणेश की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे प्रथम पूज्य भगवान।